किसान आंदोलन को लेकर झारखंड में भी सियासत गर्मा गई है। सूबे के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख इन दिनों कृषि कानून के विरोध में सिंधु बॉर्डर पर डटे हैं और अखिल भारतीय किसान महासभा के साथ मिलकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। इधर बीजेपी ने कृषि मंत्री बादल पत्रलेख पर निशाना साधा है। कांके से बीजेपी के विधायक समरी लाल का कहना है कि झारखंड के कृषि मंत्री वहां पिकनिक मनाने गए हैं। झारखंड में आपने कभी देखा कि एक भी कोई किसान या कोई किसान यूनियन या कोई इस तरह से बयान दी है विरोध में, जो मोदी जी ने जो कृषि कानून लाया है? भाई साहब, यह दिखाने के लिए, राजनीति करने के लिए और थोड़ा अपना सेहत भी थोड़ा ठीक करने घूमने बॉर्डर गए होंगे, बॉर्डर पर देखेंगे। वहीं इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक दुबे ने कहा है कि पहले बीजेपी 32 किसानों की मौत का जवाब दे। आप है ना, वो कमर ऐसा है कि उसमें जींस प्रवेश नहीं कर सकती, नंबर वन। नंबर दूसरा, उसके घर की पत्नी और बच्ची ने खुद जा कर के जो है ये आरोप लगाया कि ये इनका व्यवहार, इनका आचरण ठीक नहीं। तो समरी लाल जी को उनके घर के ही लोग हल्के मिले थे। बादल पत्रलेख पैंट पहन के गए कि धोती पहन के गए, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि भाजपा का कौन नेता पिछले 36 दिनों के अंदर उस कैंप में गया है जहां 34 किसानों की निधन हो गई है, इसके जवाब दे कौन है। बहरहाल कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के किसान आंदोलन में शामिल होने से किसान आंदोलन को कितना बल मिलता है, ये देखने वाली बात होगी।